नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। इस दुनिया में कई ऐसी जगह, कई ऐसी चीजें हैं जो रहस्यों से भरी पड़ी हैं, जिनके बारे में अक्सर हम किस्से कहानियों में सुनते रहते हैं, जिनके पीछे कोई ना कोई राज छिपा है। आज राज में हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके नाम से ही रूह कांप जाती है, जिसके नाम से लोग दहशत में आ जाते हैं। जो यहाँ गया समझो गुजर गया। कौन सी है वो जगह? आइए उठाएं पर्दा। रहस्यों से भरी इस दुनिया में कई जगह ऐसी हैं जिनके पीछे की साइंस के बारे में बड़े बड़े तुर्रम खा भी पता नहीं कर पाए हैं। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये वो जगह है जिनका सिर्फ किस्से और कहानियों में शोर ही सुनाई देता है। बस फर्क इतना है कि राजस्थान के भानगढ़ किले की तरह कुछ भूतिया जगहों के बारे में सब जानते हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जिनसे लोग आज भी अनजान हैं। राज, एक ऐसा राज जिसके बारे में दुनिया जानना चाहती है, जिसके बारे में लोग अपनी आंखों से देखना और कानों से सुनना चाहते हैं। एक ऐसा राज जिसको जानने की न जाने कितनी ही कोशिशें हुई, लेकिन आज तक इस राज से पर्दा नहीं उठ पाया। आज हम आपके सामने उस राज से पर्दा उठाएंगे जिसको जानने के बाद आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे। जगह देहरादून से 30 किलोमीटर दूर, नाम लांबी देहर खदान। कहा जाता है कि देवभूमि एक ऐसी जगह है जहां देवता वास करते हैं, इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। लेकिन देवताओं की इस देवभूमि में छिपे हैं कई राज। ऐसे राज जिनके बारे में कोई दबी जुबान से बात करता है तो कोई डर और दहशत के साथ, जिसको यकीन नहीं वो मजाक बनाता है, और जिसे यकीन है उसके चेहरे पर डर का भाव है जिसे साफ देखा जा सकता है। आज राज में हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जो देहरादून से 30 किलोमीटर दूर है, और जब आप पहाड़ों की रानी मसूरी की ओर जाएंगे तो ठीक उसके 10 किलोमीटर पहले लांबी देहर खदान है। जैसे ही सूरज ढलता है लोग इससे दूरी बना लेते हैं। रात के अंधेरे में ना कोई यहां आता है और ना कोई यहां से जाता है। इतना ही नहीं, आप इस जगह पर जाने का रास्ता भी गलती से भी किसी से ना पूछ लीजिएगा। लोग बिना रास्ता बताए अपना मुंह फेर लेंगे, कोई आपको जवाब नहीं देगा तो कोई आपको वहां न जाने की सलाह देगा। क्यों, हैरान हो गया ना? यकीनन ऐसा आपने सिर्फ बॉलीवुड की डरावनी फिल्मों में ही देखा होगा, लेकिन ये हकीकत है। पर आखिर वो राज क्या है जिस कारण इस जगह को भारत की हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है? क्या वो राज है जिस वजह से यहाँ कोई नहीं जाना चाहता और जो गया वो कभी वापस नहीं आया? आज जी मीडिया इसी राज की पड़ताल करेगा, बताएगा उस जगह के बारे में जहां छिपा है गहरा राज।
पहाड़ों की रानी सदियों से अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन बहुत कम सैलानियों को पता है कि लंबी धार क्या है। ये मसूरी के पास में ही मौजूद लंबी धार है, और इस लंबी धार में जिसको मौत की खदान भी कहते हैं, बहुत कम लोग यहाँ आते हैं। अगर आते भी हैं तो वो डरते हैं, और ऐसा भी मानते हैं कि यहाँ अजीबोगरीब आवाज़ आती है, कभी रोने की, कभी चीखने की, तो कभी चिल्लाने की। लेकिन आज राज में आपको बताएंगे कि इस मौत की खदान की जो दास्तान है, जिसे वीरान है, जो सुनसान है, और जहाँ लोग जाने से घबराते हैं, आखिर इस मौत की खदान जिसे कहते हैं, लंबी धार जिसे कहते हैं, आखिर इसका राज क्या है और इसके पीछे की दास्तान क्या है, आज आपको लेकर चलते हैं मसूरी के लंबी धार, और उस लंबी धार की पूरी दास्तान बताएंगे। क्या वाकई कि यहाँ रोने और चिल्लाने, रहस्यमयी आवाज़ आने, और यहाँ 90 के दशक में मजदूरों के साथ हुई मौत की दास्तान का हकीकत क्या है और उसका राज क्या है। उत्तराखंड के मसूरी में एक जगह ऐसी है जो बेहद रहस्यमयी मानी जाती है। इस जगह का नाम है लंबी देहर खदान। ये जगह रहस्यों से भरी पड़ी है। ये जगह इतनी डरावनी है कि लोग यहाँ जाना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन आखिर क्यों लोग यहाँ जाने से डरते हैं, कतराते हैं, इस जगह के बारे में बात करते हैं तो हिचक जाते हैं। आइए करें पड़ताल। उत्तराखंड की सबसे रहस्यमय जगह, यहां से आती है रोने और चीखने चिल्लाने की आवाजें। खदान या खंडहर या फिर भूत प्रेत का घर, पहाड़ों की रानी मसूरी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, लेकिन यहाँ एक ऐसी जगह भी है जो लोगों को डर के साए में जीने को मजबूर करती है। लंबी देहर खदान पहाड़ी ढलान पर एक बड़े इलाके में बंद पड़े खदान की उजड़ी हुई इमारतों को जब आप देखेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये अपने अतीत के खौफनाक होने का एहसास कराती है। ये एहसास कराती है उस डर का जो यहाँ के लोगों के मन में सालों से है। ये एहसास कराती है उस बात का कि यकीनन यहाँ छिपा है कोई गहरा राज। अब हम लंबी धार में पहुंच चुके हैं, और वो लंबी धार जो अपने में सस्पेंस को, रहस्य को, और साथ में उस कहानी को समेटे है जिसको लेकर तरह तरह की दास्तान सुनाई जाती है। ये वो लंबी धार है, और आप इसको देखिए कि इसको भूतहा खंडहर क्यों कहा जाता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी आपको बताते हैं कि राजधानी देहरादून से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी में ये लंबी धार खदान मौजूद है, जिसे इसे मौत का खदान भी कहा जाता है, और इसकी कई कहानियां भी हैं। लंबी देहर माइंस को साल 1996 में बंद कर दिया गया था, और तभी से ये उत्तराखंड की सबसे डरावनी जगहों में शामिल है। आज भी इस खदान के आसपास रहने वाले गांव के लोग यहां होने वाली विचित्र घटनाओं के किस्से सुनाते हुए कांप जाते हैं। सालों बीत गए, लेकिन लोगों का कहना है कि यहां चीखने चिल्लाने और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का तो यहां तक दावा है कि उन्होंने यहां किसी भटकती हुई आत्मा को देखा है। लोग कहते हैं कि अब भी कई बार यहां रात को अजीबोगरीब चीखें सुनाई देती हैं। पहले के जमाने में पास से होकर गुजरती सड़क पर आते जाते राहगीरों से कोई चीख चीख कर मदद मांगता है। यहां कई सारे हादसे होते हैं। आज भी खदान की सड़क का हिस्सा
हादसों का हॉटस्पॉट है। आज भी स्थानीय लोग रात को यहाँ जाने से डरते हैं। 90 के दशक में यहीं पर खदान का काम होता था और ये जो लंबी धार की माइंस है यहीं भारी संख्या में मजदूर रहते थे। उनके अधिकारी कर्मचारी भी इन्हीं भवनों में रहते भी थे, उनका ये कार्यालय भी था। और यहाँ आज आप देखेंगे तो चारों तरफ खंडहर, सुनसान, बिल्कुल वीरान, ये पूरा आपको खंडहर ही खंडहर दिखाई देगा। बड़ी बात ये थी कि जब वो अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, जो लोगों का कहना है, जो बताया गया कि यहाँ जो मजदूर थे उनके साथ तरह तरह की घटनाएं होती थी, ख़ास तौर से वो बीमार होते थे, अचानक उनकी तबीयत खराब होती थी और वो यहीं पर गिरते थे, मर जाते थे, और चीखने चिल्लाने की आवाज़ के साथ में प्रेत आत्माओं की भी बात आती थी कि उन पर हमला होता था। ऐसी कई कहानियां हैं जो लोगों ने बताई हैं और यही वजह है कि अब इस पूरा इलाका सुनसान, बिल्कुल वीरान है। और इस अंधेरी रात में अगर आप देखेंगे तो कहीं भी दूर दूर तक कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा। डरावनी भयंकर तस्वीरें इस बिल्डिंग की देखने को ज़रूर मिलती हैं, मगर अब हम वो आवाज़ उसके बारे में सुनाने की कोशिश करेंगे, आपको ये बताएंगे कि आखिर क्या है वाकई इसकी हकीकत। लेकिन इतना बता दें कि ये तस्वीर बहुत कुछ बता रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि 1996 में इस खदान को बंद कर दिया गया? स्थानीय लोगों का दावा अगर सच है तो क्यों यहाँ चीखने चिल्लाने और रोने की आवाजें आती हैं? क्यों ये जगह हादसों का हॉटस्पॉट है? क्यों इस जगह को लेकर इतनी बड़ी बातें की जाती हैं? आज इस राज की पड़ताल हम करेंगे। आज जी मीडिया इस राज से पर्दा उठाएगा। लांबे देहर खदान के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये जगह हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में भूत, प्रेत और आत्माएं होती हैं। लांबे देहर खदान को मौत की खदान भी कहते हैं। सूरज ढलते ही यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। आम आदमी की तो क्या ही मजाल, जो यहाँ गया समझो वो इस दुनिया से ही गया। इतिहास के पन्नों को जब पलटेंगे तो लांबी देहर खदान की कहानी सन 1990 से जुड़ी है। कहते हैं कि इस खदान में हजारों की संख्या में मजदूर काम करते थे। लांबी देहर खदान चूना पत्थर की खदान हुआ करती थी और कहते हैं कि यहाँ पर काम करने वाले 50,000 मजदूर गलत प्रक्रिया से होने वाली माइनिंग के चलते मौत के मुंह में चले गए थे। माइनिंग की वजह से मजदूरों को फेफड़ों की अजीब सी बीमारी होने लगी थी। कहते हैं कि कुछ मजदूरों के फेफड़े तो पत्थर जैसे हो गए थे। खास खास कर मजदूरों को खून की उल्टियां होने लगी थी और मजदूर यहाँ दर्द से तड़प तड़प कर मर गए थे। आज भी उन मजदूरों की तड़प की आवाजें, उनकी दर्द से कराहने की आवाजें यहाँ की फिजाओं में सुनाई पड़ती है। अब हम लंबी धार की खदान के उस ऑफिस में पहुंचे हैं जो खंडहर में तब्दील हो चुका है और एक एक करके आपको दिखाते हैं। ये भी बताएंगे कि यही वो रहस्य भी है जो चीखने चिल्लाने और रहस्यमय आवाज़ आने, प्रेत आत्माओं के रहने की बात आती है। आप इस पहले एक एक करके जो ये ऑफिस था, इसके ऑफिस के जो कमरे हैं उसको देखिए। हम अब आपको इसी तरह से दूसरे कमरे में भी लेके चलेंगे। चूँकि जो आवाज़ आती है जहाँ लोग आने से डरते हैं, घबराते हैं, और ये वीरान पूरा इलाका है। तो सर इसका नाम पहले कांटा था, कांटा से लंबी धार माइंस पड़ा, लंबी धार माइंस से सर इसका नाम हॉन्टेड प्लेस पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर 50,000 करीबन लोगों की मौत हुई थी तो यहाँ का नाम हॉन्टेड हॉल पड़ गया। तो यहाँ पर बहुत ही रात को 8 बजे के बाद बहुत ही सी डरावनी आवाज़ आती है, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर कैंपिंग करी हुई है, अकेले था मैं उस दिन, तो मैं कैंपिंग करता हूँ, तो कुछ यहाँ पर ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई चल रहा होगा। तो मैंने वहाँ से अपना कैंप उठाया और जैसे चल रहा था तो वहाँ घंटों की अजीब वहाँ पर हरकतें हो रही थी। तो बहुत ही डरावना है वहाँ पर, अगर रात को आप 8 बजे के बाद वहाँ जाओगे तो बहुत ही मतलब डरावना सा महसूस होता है वहाँ पर, जैसे कोई भूत चिल्ला रहा हो
या फिर कोई मतलब रोने की आवाज आती है सर वहां पर, बहुत ज्यादा डरावना है सर वहां तो बहुत ज्यादा। कोई कहता है लैंडस्लाइड में मजदूर जिंदा दफन हो गए, तो कोई माइनिंग की बात करता है, पर जो भी है सवाल यह है कि क्या वाकई यहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। तो जब जी मीडिया की टीम ने जाकर पड़ताल की तो कुछ लोग ऐसे थे जो लांबी देहर खदान का नाम लेते ही उनके चेहरे पर डर का भाव देखा जा सकता था, जो खुलकर कैमरे पर खदान के बारे में बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे। लेकिन जब उन्हें विश्वास में लेकर बात की गई तो पता चला कि यहां आसपास रहने वाले लोगों को अचानक ही किसी की चीख सुनाई देती है तो कभी कोई आवाज देकर राहगीरों से मदद की अपील करने लगता है। यहां तक कि हर साल यहां पर होने वाले हादसे बढ़ते जा रहे थे और इसी वजह से खदानों को बंद करने का फैसला किया गया था। इस वक्त हम लंबीधार की खदान के उस ऑफिस में हैं जो पूरी तरह से खंडहर में हो चुकी है और यहाँ वीरानगी है। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो पूरा सुनसान ये क्षेत्र है और इसके बाद आपको दिखाते हैं कि छत के ऊपर क्या है। आखिर में यहाँ लोग आने से क्यों घबराते हैं ये आपको अब हम दिखाते हैं और बताते भी हैं कि आखिर क्या वाकई यहाँ प्रेतात्मा रहती है और चीखने की, चिल्लाने की, रोने की अजीबोगरीब जो दास्तान होती है वो होती है कि नहीं। अब आपको हम छत के ऊपर लेकर चलते हैं। अगर इस पूरे कैंपस को देखेंगे तो यहाँ केवल दीवार है, अब यहाँ कोई रहता नहीं है, ना तो कोई अधिकारी है और ना ही कोई कर्मचारी है। इस जगह पर सिर्फ 20 लोग ही रहते हैं। लोगों के मुताबिक यहाँ पर प्रेत आत्माएं रहती हैं और यहाँ से लगातार उनके रोने, चीखने, चिल्लाने की अजीब आवाजें आती रहती हैं। लोगों के मुताबिक इस खदान के सामने से जो भी गुजरता है या तो खुद उसकी मौत हो जाती है या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लांबी देहर खदान का डरावना इतिहास पिछले कई सालों से लोगों को डरा रहा, सता रहा है। खदान की बिल्डिंग में एक एक सीढ़ी पर आपको लेके चलते हैं और जो इस बात की तस्दीक होती है कि आखिर वो आवाज़ यहीं से आती है। आवाज़ के साथ में जो अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं उन कमरों की तरफ आपको लेके चलते हैं और वाकई क्या यहाँ पर आवाज़ आती है या नहीं ये भी बताएंगे। पहले आप एक कमरे में चलिए और इस कमरे को आप देखिए। इस कमरे के बाद आपको दूसरे कमरे में लेकर चलते हैं। यहाँ देखिए रात के अंधेरे में ये कैसा दिखाई दे रहा है। और इस कमरे के बाद आपको तीसरे कमरे में लेकर चलते हैं और आप ध्यान से सुनिएगा वाकई क्या ऐसी कोई घटनाएं थी, ऐसी कोई यहाँ पे घटना होती थी जो जिसको कहें कि बहुत ही रहस्यमयी थी, बहुत डरावनी थी और बहुत ही वो ऐसी थी, भयंकर थी कि जिसको संभाला नहीं गया। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।